तो जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, खौफनाक वारदात, जिस तरह से एक दर्जी कन्हैया लाल को गला काट करके हत्या कर दी गई थी, वैसी ही वारदात और यह हरकत जो की गई है वो एक इंजीनियरिंग के छात्र लारेब हाशमी की ओर से की गई है। और उसने अपने बैग में पहले से धारदार हथियार जो चापड़ होता है वो रखा हुआ था और उसी के जरिए उसने एक ड्राइवर और कंडक्टर पर हमला किया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जून 2022 में उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड और उसी तरह से प्रयागराज में कन्हैया लाल की ही तरह दो लोगों का सर तन से जुदा करने की कोशिश। वारदात और वायरल वीडियो के बाद पुलिस एक्टिव हुई, आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी से चॉपर बरामद करने के लिए पुलिस उसे मौके पर ले गई, लेकिन वहां पर उसने पहले से छुपाए हुए असलहे से आरोपी ने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी लारेब घायल हुआ है। जब पुलिस टीम द्वारा चापड़ की बरामदगी के लिए अभियुक्त की निशानदेही पर वहां ले जाया गया अभियुक्त को, तब पहले से छुपे असले के द्वारा अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग करी। पुलिस की आत्मसंरक्षण फायरिंग के दौरान अभियुक्त चोटिल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आरोपी का वीडियो देखकर पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं, क्योंकि वीडियो में जिस तरह से आरोपी लारेब हाशमी जिहादी अपील करता दिख रहा है, उसे देखकर उसके आतंकी कनेक्शन का अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि आरोपी का बयान और रवैया ऐसा है जिससे उसके किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक पैदा होता है। पुलिस के साथ जांच एजेंसियां आतंकी एंगल से भी जांच कर रही हैं। एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में विस्तृत पूछताछ के लिए टीम गठित की गई है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। Z News।